हेलो दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक में एक नया एटीएम या डेबिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए फॉर्म को कैसे भरें, यानी फॉर्म को कैसे फिल करें। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पंजाब नेशनल बैंक में एटीएम कार्ड का फॉर्म कैसे भरते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपना मोबाइल के स्क्रीन में। मेरे पास पीएनबी एटीएम फॉर्म का पीडीएफ है। अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि कैसे एटीएम फॉर्म को भरते हैं। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बीओ का ऑप्शन, यानी ब्रांच। तो दोस्तों, आपका जो भी ब्रांच है, ब्रांच का नाम डाल देना है। उसके बाद नीचे में आपको दिख रहा होगा सेकेंड में डेट का ऑप्शन। तो जो भी जिस दिन आप ये फॉर्म बैंक में जमा करेंगे उसी दिन का आपको यह डेट डालना है। तो सिंपली यहाँ डेट डाल देंगे। उसके बाद नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलता है डेबिट कार्ड का ऑप्शन। बहुत तरह का डेबिट कार्ड होता है, जैसे कि क्लासिक होता है, प्लाटिनम होता है, मित्रा होता है, किसान होता है, किसान डेबिट कार्ड होता है, एक्सेट्रा। इस तरह का बहुत सारे कार्ड होते हैं। तो दोस्तों, जनरली लोग क्लासिक एटीएम कार्ड लेते हैं। तो सिंपली आपको क्लासिक एटीएम कार्ड में क्लिक कर देना है, इस वाला ऑप्शन में ऐसे टिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन दिख रहा होगा नेम ऑफ अकाउंट होल्डर। तो अकाउंट होल्डर का नाम नेम डाल देना है आपको, अकाउंट होल्डर का नाम डाल देना है आपको कैपिटल अक्षर में, बीच में स्पेस होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद नीचे में आपको दिख रहा होगा फिर सब लिखा हुआ है नेम ऑफ अकाउंट होल्डर। तो यहाँ आपको नाम डाल देना है अपना, वो भी ये भी कैपिटल अक्षर में सेम टू सेम डाल देना है, बीच में स्पेस देना है। जो नाम यहाँ डालेंगे दोस्तों, वही नाम आपके एटीएम कार्ड में आएगा। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं करना, सबसे नीचे में आ जाना है आपको। नीचे में आने के बाद यहाँ टाइप ऑफ कार्ड्स लिखा हुआ है, तो यहाँ आपको क्या लिखा हुआ था पर्सनलाइज पे क्लिक कर देना है। पर्सनलाइज पे क्लिक कर देना है, ऐसे टिक कर देना है। उसके बाद नीचे में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा मोबाइल नंबर का, तो आपको यहाँ मोबाइल नंबर डाल देना है अपना, जो भी मोबाइल नंबर आपके बैंक में है वही नंबर यहाँ आपको डालना है। उसके बाद यहाँ ईमेल आईडी का ऑप्शन है, तो आपका जो ईमेल आईडी है वहाँ डाल देंगे, अदरवाइज नहीं भी डाल सकते, ये ऑप्शनल है। उसके बाद नीचे में आपको दिख रहा होगा टाइप ऑफ अकाउंट, कौन सा अकाउंट है, या मेन में मेन वाला ऑप्शन ये कॉलम में आना है। उसके बाद यहाँ आपको एसएफ लिखना है, एसएफ मतलब सेविंग अकाउंट। अगर आपका करेंट अकाउंट होता है सीए लिखेंगे, ज़्यादातर लोगों का एसएफ यानी सेविंग अकाउंट होता है, तो वहाँ एसएफ आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ जो 16 डिजिट का आपका अकाउंट नंबर है, वहाँ अकाउंट नंबर आपको यहाँ डाल देना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं करना, सबसे नीचे में आ जाना है, यहाँ आपको सिग्नेचर कर देना है, जो भी जिसका भी नाम से एटीएम है वो सिग्नेचर कर देगा ऐसे। तो दोस्तों, ऐसे आप एटीएम फॉर्म को भर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस